देवघर विधानसभा चुनाव के लोजपा प्रत्याशी बजरंगी माता ने आज यहां के जनप्रतिनिधियों पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि ये जब भी जीत के यहां से गए हैं, आज तक जितने भी प्रतिनिधि यहां से चुनाव जीते हैं देवघर विधानसभा से, सब उन्होंने देवघर की जनता को छलने का ही काम किया है। अगर मैं जीतता हूँ मैं सारे भ्रष्टाचार को बंद करूंगा। इन्होंने शिक्षा के मुद्दे को खास तौर से उठाया। आइए देखते हैं बजरंगी माता ने क्या कहा। आईएनएन के लिए संजीव मिश्रा की रिपोर्ट। तीसरा नंबर, यहाँ जो देवघर के लोग हमारे पानी के लिए तराई 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 मार, उनके घर घर तक पानी पहुँचाने का काम कर, जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो, यह अच्छा शिक्षा जो है प्रदान किया जाए। देवघर क्षेत्र में हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय उन पर सरकारी स्कूलों में जो है अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। दाल भात का चक्कर खाली चल रहा है, पढ़ाई का नाम में जीरो हो गया है। यहाँ 10+2 का जो है सारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह 10+2 हो गया, लेकिन टीचर अभी तक नहीं। हमारे घर के बगल में ही बलसरा स्कूल जी 10+2 होने में करीबन 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ 10th का कोई टीचर नहीं। और जो 8 क्लास से निकल चुका है बच्ची बच्चियाँ, वो उनका नाम बोलता है यहीं पढ़िए यहीं से होगा, लेकिन उनको 10th का पढ़ाई पढ़ाएगा कौन इसके बारे में मालूम ही नहीं, टीचर है ये नहीं। और लोग चाह रहे हैं कि 10+2 हो गया तो मेरे विद्यालय में एक भी स्टूडेंट अगर 10th का नहीं होगा तो हम लोग क्या जवाब दें, एक टीचर बोल, लेकिन जो टीचर है वो या 8th तक का ही, तो आप बताइए 8th का टीचर 9th और 10th का पढ़ाई कैसे करवाएगा जी। ये इसका जो है विधि व्यवस्था होगा, यहाँ पर जो है शिक्षक नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं उन लोगों का कहना है कि जो भी प्रतिनिधि अभी तक जीत के गए हैं दोबारा गांव घूम के नहीं आए, हम भी जा रहे हैं तो हम